नेशन। राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है और राम मंदिर निर्माण में देश का हर बच्चा बच्चा अपनी सहभागिता और खुशी जाहिर कर रहा है। लेकिन देश की कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस राम मंदिर में बड़ा आड़ंगा हमेशा से बनी रही और आज भी बन गई हैं। जी हां साहब, राजस्थान से कुछ पत्थर आ रहे हैं, राजस्थान से कुछ पत्थर आ रहे हैं जो राम मंदिर निर्माण में लगाए जाएंगे। लेकिन देखिए कांग्रेस को, कांग्रेस ने 25 ट्रक को जब्त कर लिया है। अब सोचिए, ये वही कांग्रेस है जो भूमि पूजन के दिन दुनिया को लुभाने के लिए, दिखाने के लिए कि वो भी राम में आस्था रखते हैं, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, कहीं सुंदर कांड या कुछ ऐसे पाठ किए गए, ये वही कांग्रेस है। और आज वही कांग्रेस किस प्रकार से देश को दगा दे रही है, उसकी झलक मैं आज आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का तो रास्ता साफ हुआ, लेकिन अब नई अड़चन सामने आ गई है। राजस्थान भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से जो गुलाबी पत्थर अभी तक आ रहे थे, उनके खनन पर रोक लगा दी गई है। इससे चलते विश्व हिंदू परिषद में नाराजगी है। पत्थर निकासी पर रोक के खिलाफ संत समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद में आंदोलन की तैयारी कर रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए वर्षों से बंसी पहाड़पुर से पत्थर अयोध्या जा रहे थे, साथ ही मंदिर के लिए पत्थर का स्टॉक इलाके में भी किया जा रहा था। भरतपुर जिला प्रशासन ने गत दिनों अयोध्या जा रहे 25 ट्रकों को जब्त कर लिया। प्रशासन का कहना है कि यहां खनन के लिए सरकार की तरफ से किसी को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। उनका कहना है कि बंसी पहाड़पुर में अवैध खनन कर पत्थर सप्लाई हो रही थी, यह कहां जा रहा था इसके बारे में अधिक कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। इधर राजस्थान सरकार की कार्रवाई से विश्व हिंदू परिषद और संतों में उबाल है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का कहना है कि जो पत्थर के ट्रक रोके गए हैं वह पहले स्टॉक से लाए जा रहे थे। पत्थर की निकासी पर रोक के खिलाफ संत समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद आंदोलन के लिए तैयार है। बजरंग दल के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुनील पराशर का कहना है कि मंदिर के लिए जा रहे पत्थर पर रोक नहीं लगानी चाहिए, भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में अब किसी तरह का व्यवधान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। यह है पत्थर की खासियत। आपको बता दें जो पत्थर की खासियत है वो क्या है। बंसी पहाड़पुर से निकाले गए गुलाबी पत्थर की मियाद 5000 साल तक बताई जाती है, जो सुंदर और मजबूत होता है, साथ ही